श्री कृष्ण कहते हैं जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और आपके लिए कदर ना हो उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। इस जीवन में अधिक सीधा होना सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है लोग उसका अनायासिक फायदा उठाते रहते हैं, और अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा दुख पाने पर भगवान को कोसते हैं, पर बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा अच्छा होने पर भी भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्त को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सम्मान करते हैं। जो लोग कहते हैं अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं, उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको केवल महत्व देने का कोई और तरीका जानते नहीं। सबसे ऐसा व्यवहार करें कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उसके न्याय पर विश्वास है उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। आप कभी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना इससे बड़ा कोई बदला नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी और की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जीवन में चाहे आप कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, चाहे आप कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना सुन लें, परंतु जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं। मुँह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जो इरादे का पक्का और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी व्यक्ति को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं।
धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है।